तो कैसे हो भाई लोग, आई होप अच्छे होगे। फर्स्ट मैं सॉरी बोलूँगा गाइस, क्योंकि मैं इतने दिन से वीडियोस नहीं अपलोड कर रहा था अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मैं कुछ काम के वजह से मुंबई आया हुआ था। अभी मैं मुंबई में हूँ, अब मेरे चैनल पे रेगुलर वीडियोस आएंगी। तो भाई लोग चलिए, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 20x30 का एक बेहतरीन हाउस प्लान। एंड सॉरी फॉर द पुअर क्वालिटी ऑफ वीडियो गाइस, क्योंकि मैं वीडियोस मोबाइल से शूट करता हूँ, इसीलिए ये उतना अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं है और मोबाइल भी अच्छा नहीं है, तो इसलिए वीडियो का क्वालिटी थोड़ा पुअर है। आप अब एडजस्ट कर सकते हो। और इस प्लान से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हो यार, कमेंट में आप पूछो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। क्योंकि घर देखो, घर बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, एंड इसमें छोटी छोटी बारीकियों पे भी काम करना पड़ता है। तो भाई लोग चलो, मैं अब इसका डायमेंशन आपके साथ शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये मेन गेट एंटर करेंगे तो पहला मैंने स्टेयर केस का प्रोविज़न किया है यहाँ पे, यहाँ से आपका स्टेयर अप, और स्टेयर के नीचे मैंने टॉयलेट का बाथरूम का प्रोविज़न किया हुआ है। आपका स्टेयर 6 फीट बाय 12 फीट वाइड मैंने रखा है इसको। उसके बाद अपना ये पूजा रूम, जिसका साइज मैंने रखा है 3 फीट 11 इंच बाय 6 फीट 5 इंच का है। उसके बाद से अपना ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया 9 फीट बाय 11 फीट 8 इंच का रखा है। उसके बाद से अपना ये किचन 6 फीट 3 इंच बाय 9 फीट का। एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट बेडरूम, जिसका साइज मैंने रखा है 8 फीट 3 इंच बाय 12 फीट 1 इंच का। उसके बाद से अपना ये सेकेंड बेडरूम 9 फीट 8 इंच बाय 12 फीट 1 इंच का। और उसके बाद मैंने ये विंडो का पोजीशन, वेंटिलेशन एंड डोर पोजीशन आपको शो कर दिया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और इसका कॉलम का पोजीशन देख लो भाई लोग, कैसे मैंने इसको प्लेस किया है एकदम स्ट्रेट लाइन में, आप देख सकते हो। और इसका साइज आपको आगे पता चलेगा भाई लोग। तो कॉलम कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे कॉलम कितना इम्पोर्टेंस रखता है घर में। और आपका बीम का जो साइज़ है, इसमें मैंने लिखा नहीं है, बीम का जो साइज़ है वो 10x12 का रखो, अच्छा रहेगा। एंड कॉलम साइज़ आपका 10x12, ये भी आपका 10x12 इंच का रहेगा। उसके बाद से अपना ये वेंटिलेशन साइज 2 फीट x 1 फीट। उसके बाद से विंडो का साइज़ आपको रखना है 3 फीट x 4 फीट, 3 फीट x 5 फीट, 4 फीट x 5 फीट, जो भी अच्छा लगे आप रख सकते हो। उसके बाद से डोर साइज़ आपको रखना है 3 फीट 6 इंच x 7 फीट का। एंड किचन का, टॉयलेट का, पूजा रूम का जो डोर साइज आपको रखना है 2 फीट 6 इंच x 7 फीट का रखो, अच्छा रहेगा। तो कैसा लगा ये प्लान आपको कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई बात